बन रहा है खाना, ये देखो ये बन रहे कोफ्ते की सब्जी। और यहाँ आज पानी का दिन है तो यहाँ कपड़े वपड़े धुल रहे हैं भाई। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जब तक रूम के अंदर बैठे रहो तब तक बड़ा मजा आता है इसे चला के पकड़ने का, पर बाहर जब निकलो ना खाना, जब बाहर निकलो इतनी तेज गर्मी लगती है ना, मेरे तो जीभ से कर रहे हैं बस अंदर ही बैठे। क्या हो गया? एक तो ये आपस में खूब लड़ाई करते हैं भाई लॉर्ड, एक तो मैं सो तो छोड़े ही थी। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? सलाम उधर आओ, दो कपड़े धुल रहे हैं देखो। तो गाइस अभी ये बेड साफ करे कर रखा है और ये देखो अभी सारे हटाने हैं ऐसे कपड़े हमारे। गाइस रोज कपड़े धुलते हैं फिर भी हो जाते हैं। हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया? ऊपर बाबू अभी नहीं ऊपर, अब मम्मी देख डांटेगी। अभी थोड़ा सा काम कर लेना, ड्राइवर पहना के बिठाएंगे। बेटा आप सोओगे, देखो गाइस ये यहाँ अभी सला दिया ना पेशाब कर करके, फिर इसको धूप लगा के गद्दे को सुखाया है बकायदा। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ। हमारे तो ले कपड़े देखो, मशीन चल गया, आज पानी का दिन है, खाना बन रहा है और हमारे गुड़िया खेल लिए बाहर। गर्मी के चक्कर मेरे सर में, फेफड़े में, सर में दर्द हो रहा है। फेफड़े में दर्द कैसे होता है? गर्मी के चक्कर फेफड़े में दर्द पहली बार पता चला है, फेफड़े में दर्द होता है। पता है दोस्त था शरबत कह रहा, मैंने ना शरबत बट रहे थे बहुत, शरबत पी लिया चक्कर आ गए। मैंने कहा तूने पिया क्यों ज्यादा, स्वाद लग रहा होगा। अरे भाई इतनी भी नहीं, घबराहटपन हो जाती है। कौन रो रहा है, बुड्ढा ही है क्या? वो क्यों रो रहे हो आप, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो अंदर रूम के अंदर चलो, दिमाग खराब है यार, एक तो किसी के बस के नहीं है मेरा साथ में। जल्दी जल्दी बना लो खाना भाई। तो गाइस पकोड़े बना दिए मैंने, ये देखो। अब तो बात बताऊं, इतनी गर्मी में ना मुझे परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। मैं अपनी तरफ से खुद इतनी जल्दी कर रही हूँ, मुझे कुछ सोच नहीं है कि मैं 4 घंटे तक यहाँ लगी रहूँ। इतनी गर्मी हो रही, दिमाग खराब हो रहा है। गाइस आज बनेंगे कोफ्ते और चावल। खाना बनाने की जिम्मेवारी ना आदमी के पास होनी चाहिए, जब पता लगता है उनको। मैं खा तो रहा हूँ पकौड़े। तो गाइस हम रात के बज रहे हैं 1 और यहाँ देखो ये जगह से निकलता है धुआं रात को, देखो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की, तेज निकल और रात को ज्यादा बदबू आता है यहाँ पे इस जगह। इसमें कम दिख रहा है लाइट के वजह से, लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है भाई। इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई गौर से देखेगा ना तो बहुत तेज बदबू आती है रात तक। जैसा कि अभी आपने देखा, सोनू जी ने आपको दिखाया कि बाहर जो है खंबे पे कितनी ज्यादा, और खंबे पे जो है कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है। हमारे बिल्डिंग वालों ने बताया कि यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होती, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि ना बिल्कुल ये जो फ्लैट बना हुआ है इसके जस्ट बगल में ही वो खंबा है, जो कि अगर जरा से भी अगर उसमें आग लगता है, कुछ भी फायरिंग वगैरह होती है तो पूरे बिल्डिंग को दिक्कत हो सकती है। पर ये गलत है कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, और मेरे को सब ऊपर बता रहे थे कि उसको कोई ठीक करने के लिए भी नहीं आता, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 2-3 दिन से कंटिन्यू उसमें
दो दिन से तो कंटिन्यू मुझे धुआं दिखाई दिखा है, सिर्फ कल थोड़ा सा कम दिखा था पर आज दोबारा से फिर उसमें धुआं दिख रहा है। अब क्या है? पर ये चीज गलत है कि मतलब इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलो फिलहाल मैं चलूं, अंदर गुडर हो रही है। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आज नाश्ता बनाने वाला हूँ मैं। तो देखो गाइस, यहाँ अभी आटा गूंद रहा है और बाकी अभी सो रहे हैं और मॉर्निंग के अभी 10 बज रहे हैं गाइस। और देखो अभी दिखाता हूँ अंदर क्या सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखो तो गाइस फाइनली मेरा आटा पहुँच चुका है, गूंद चुका है मतलब, और अब बनाने की तैयारी है रोटी। तो गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है और अब नाश्ते के बाद अब हमारे खाने की तैयारी है। और ये देखो पता नहीं, मैं पहले बना रही थी ये कड़ी, फिर उसके बाद आगे दाल चावल पे, तो दाल चावल भुजिया बनना है हमारे लिए। देखो और कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना गाइस, मैं इनसे ना सुबह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज अगर छुट्टी पे हो तो कहीं घुमाने के लिए लेके चल लो, नहीं कुछ तो चलो मॉल घूम के आते हैं पास में। वो बैंक के पैसे से तो कौन सा मॉल है, कौन सा मॉल है? वेगास मॉल। वेगास मॉल वेगास मॉल है तो उसमें हमें, मैं जाने के लिए जिद कर रही हूँ कि ले चलो कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। बेटे चश्मा पहन के दिखा ना। चश्मा तो पहनो ये क्या हो गया भाई? मैंने कुछ बटन छेड़ा, आ जाओ। तू तो कैसे भी रहती, मुझे मस्त लगती है। क्या आप भी मस्त लगते हो? आप भी मस्त लगते हो, मतलब तीनों मस्त लगते हो, तीनों मस्त लगते हो, तीनों मस्त लगते हो। अले मेले कोट कोट से बेटी सोनू, मैं इसके लिए शादी नहीं करूंगी। क्यों? नहीं, इसको हम हमेशा अपने कॉप रखेंगे, अपने से है कुछ ना। देखो आज इसको नई चूड़ी दिलाई मैंने, बहुत यार। देखो गैस कम करना, गैस कम करो, जीरो हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? मैंने थोड़ा ना उठाया है, ये लो ग्लास, लो लो ग्लास, ये रहा गाइस। मैंने उसको नई चूड़ियाँ दिलाई, देखो। और जब से ना सुबह से चूड़ियाँ उसको इतनी ज्यादा पसंद आ रही है ना, आपको बार बार ऐसे 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 करके ऐसे तो कर दूंगे। चूड़े दिखाओ, चूड़े दिखाओ, चूड़े ना आपकी, चूड़े दिखाओ भाई, बोलो कैसी लग रही है मेरी चूड़ी। मिला चूड़े दिखाओ, पायल गाइस, एक पायल का पायल मिला, एक का मिला ही नहीं। एक का पायल मिला है ये और एक का मिला ही नहीं, अभी पता नहीं कहाँ है सब कुछ, पता नहीं कहाँ है लेकिन पता ही नहीं। छोटी थी ना तो उसके हमने कर, और देखो मैंने एक पाय एक चूड़ी और ली, मैंने इसलिए रख दिया अभी कि अगर हम कहीं जाएंगे तो पहना दूंगी। हाँ खराब कर देंगे, खराब कर देंगे, ये लो। इसमें कुछ नहीं होता, कुछ जब काम नहीं होता तो झाड़ू ले लेता है बेचारा, ये बेचारा पूरे घर में झाड़ू लगाता रहता है। देखो देखो हमारे घर आई नहीं काम वाली बाई, लगा लो और बनाओ वीडियो मेरी। जाओ मैं मारता ही नहीं है, हटाओ, जा रहा हूँ, हटाओ हटाओ। भाई साहब कितने पसीने पसीने हो गए हैं गाइस। हमारा ना कल रात को हमारे मेरे बच्चे ने इतना दुखी किया, इतना दुखी कि पूरी रात हम लोग सो ही नहीं पाए।
क्योंकि ना वो देखो स्विच खराब हो गया हमारा, एसी पूरा हमारा चला नहीं है और बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे मतलब गर्मी में, इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत मुश्किल चीज में हार के मैंने पता क्या किया, मैंने ना मैं सुबह में मैंने कहा मैं बैठी रहूंगी चाहे मैं स्विच को देखती रहूंगी कि भाई उसमें से चिंगारी तो नहीं निकल रही, फिर मैंने इसी कपड़ा लगा दिया था ताकि रूम थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा सा ठंडा हो और ये थोड़ी देर तक सो पाए, तो फिर वही हुआ थोड़ा सा रूम ठंडा हुआ फिर थोड़ा रेस्ट हुआ तो मैं गोल लग सकूँ, चलो स्विच वगैरह छोड़ तो भाई हमें स्विच खराब हो गया, फिर स्विच वाले को बुला रहे ठीक करे ताकि क्या बेटा मम्मा खाना बना दी कुछ कुछ चल नहीं नहीं करेंगे पानी आने वाला ना, नहीं करना नहीं चलो गाइस मैं इनसे फोर्स कर रही हूँ कि मॉल लेके चलो और मैं अभी बच्चों को रेडी करूँगी और मैं मॉल जाऊँगी लेके जाऊँगी, चलो पाँच तो बज गए नहीं निकाल दिया चोरी ने निकाल दिया खराब कर दोगे आज तो मैं कुछ चेंज हूँ चेंज कुछ चेंज ये रहा हम फाइनली वेगस आ गए हैं और ये देखो ये पार्किंग में मस्ती कर रहा है अभी तो ऊपर भी नहीं गए थे और बाइक पार्क कर रहे हैं चलो चले इधर चलो इधर चलो आ जाओ गगन वो देखो कहाँ जा रहा है वो तो लिफ्ट के पास जा रहा है हम इधर जा रहे हैं वो उधर जा रहे हैं आ चलो इधर चलो
पे देखो कितने मस्ती कर रहे बच्चे। आटे के साथ ही सबसे पहले हमने अपने कपड़े चेंज, ताकि हम जो है सारा काम अपना कभी सारे काम हम छोड़ के गए थे अपना ऐसे ही, फिर हम लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने कुछ बाहर से कुछ लेके आए थे फास्ट फूड, तो थोड़ा सा वो खाया, और मैंने अभी बेडशीट वगैरह चेंज किए क्योंकि आज पानी का टाइम है तो कपड़े भी धोने हैं, तो अभी सारा बेडशीट वगैरह सारा। हाँ आई नो, आप सब आपको नहीं देखा वहाँ पे क्योंकि गाइस ये गई नहीं, ये कह रही नहीं मैंने जाएंगे वहाँ से, मेरे को दिक्कत तबियत ठीक नहीं मेरी। ओके आप घर में रहो फिर। हाँ ये देखो, हाँ बोलो क्या हुआ। वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो कॉल नहीं है, वीडियो कॉल नहीं है बेटा, नहीं है। और गाइस ये इनका गुस्सा सही है, जब मरे तो फैल जाओ बेटा। हम आए हैं, अब हमें काम करने, तो खाना क्या खाओगे, जब खाना नहीं बनेगा। आपको क्या हुआ, क्या हुआ? चलो आप कहना, चलो 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 अंदर, चलो चलो इस रूम में, चलो ऐसे चलो, चलो गो बेटा। गुड्डो, ओ नो, क्या छोटी गुड्डा ना, वो क्यों मार रहे आप उसको? हाँ मम्मा ये सिखाती है आपको। नो बेटा डोंट क्राई, आओ इसको चलो, इसको चलो, इसको खेलना है। दोनों ही बंदा से देखो बस। देखो देखो देखो,
गौरव ने इसे धक्का दे दिया था। हाँ बहुत धक्का देता है, बदमाशी करता रहता है ये बच्चा। मतलब कितने धक्का दे दे वो बच्चा, मैं ही पिटता ना चुप में उठा। तो गौरव बदमाशी मत करो, पिटा प्लीज। लग जाएगी, देखो भैया को लग गई ना अभी। आ चल, आ खड़ा जा, खड़ा जा। चल, आ मम्मा पास, आ मम्मा पास। गौरव अगर आपने बदमाशी की तो पापा मम्मा आपको डांटेंगे। गाइस देखने के कितने दिन में बच्चा। अरे आप ही दोनों आपको बदमाशी कर रहे हैं। नीचे यार खेलना, ठीक है? नीचे खेलते रहना बस। चलो चलो मम्मा काम कर लो, मैं खत्म। गाइस ये बना ली मैंने अंदर सब्जी चावल, और वो देखो आपको बोला है पापा को बुलाने के लिए। पापा को, डैडी को बुलाओ। डैडी लकी, डैडी डैडी को उठाओ। डैडी बोलो, डैडी उठो, डैडी डैडी बोलो, डैडी बोलो, डैडी। हम यहाँ डैडी कर रहे हैं, मम्मी तो खाना खा रही है। यहाँ गुड्डू खाना कर रही है। डैडी डैडी उठो, बोलो डैडी उठो, बोलो बेटा। लकी आवाज दो, डैडी गलती रियलाइज हो गई। डैडी लकी बोलो, डैडी डैडी उठो, डैडी उठ जाओ। अभी आप खोले थे ना तो आ गए थे इधर। नहीं उठे बेटा, नहीं उठे, दोबारा उठाओ जाओ। बोलो डैडी, पापा जी उठो, पापा पापा उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, खाना खाएंगे, जल्दी उठाओ। पापा लग किचन को उठा के ना बेटा, पापा को उठाओ जाओ। डैडी लक्की के डैडी उठा बेटा, पापा को उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा, खाना खाएंगे ना, दो खाना ठंडा हो रहा, चलो जल्दी उठाओ। बोला डैडी उठो, मैंने अब नहीं उठा रहा, बस थक गया मैं तो। वैसे तो गुड्डू खाने के लिए स्टार्ट हो चुके, मैं उनको उठाऊँ फटाफट से और हम खाना खाएं, क्यों भूख लग रही है ना। कुछ कहना चाहोगे? पहले आप मना कर रहे थे खाने के लिए, अब मैं बना के लिए चावल सब्जी। तो देखे।
तो गाइस चलो चलते फटाफट से खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनो उठो,